देखिए अगला है इमेज मेन्यू। ठीक है, इमेज मेन्यू में इमेज की एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, ओपन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मोड। आपको इसका मोड चेंज करना है, जैसे कि अभी ये पिक्चर किस में आ रही है, आरजीबी, आरजीबी में आ रही है। आपको इसको ग्रेस्कल में करना है या फिर और किसी में कन्वर्ट करना है, तो मोड ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से आप कर देंगे ग्रेस्कल। ठीक है, यार डिस्कार्ड कलर इन्फॉर्मेशन, अपन कर देंगे ओके। देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई पिक्चर। इस तरह से अब वापस नॉर्मल जेपीजी में करना है, वैसे तो आप अल्टर कंट्रोल जेड से कर सकते हैं, लेकिन आपने बीच में कोई और चीज कर ली जो आप हटाना नहीं चाहते, लेकिन आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, ग्रेस्कल सिलेक्ट है, हम इसको आरजीबी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से कहाँ गया इमेज ऑप्शन, मोड पर आरजीबी पर क्लिक करने के बाद अल्टर कंट्रोल जेड ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर लैब कलर CMY, आप बिट बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी 8 बिट की है, अगर आपको इसका कौन सा इंडेक्सेस कलर, आप यहाँ से कलर का जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करिए। ठीक है, कलर का परसेंटेज कम ज्यादा कर सकते हैं, अदर कुछ भी नन करना है, पैटर्न लेना है, नॉइस करना है, ओके कर देंगे, तो हल्का सा उस पे इफेक्ट आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हल्का सा इफेक्ट आ गया है पैटर्न का, अल्टर कंट्रोल जेड कर रहे हैं, देखो नॉर्मल हो गई, अभी कुछ हल्का सा इफेक्ट आ गया था पिक्चर के ऊपर, तो वो यहाँ पर ले सकते हो आप। नॉर्मली अपन इसमें मोड चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये भी सब मोड ही होते हैं, जैसे कि CMY के कलर, लैब कलर, मल्टी चैनल, ये सब। ठीक है, एडजस्टमेंट, इस पर जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है लेबल्स। लेबल्स पर जाकर आप क्या कर सकते हो, कलर जो भी आपने इसके अंदर कलर है कौन सा सिलेक्ट है, आरजीबी, आपको कलर का लेबल चेंज करना है। देखो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको चेंज करेंगे, तब भी यहाँ पर चेंजेस होगा, अगर करना है तो ओके कर दीजिए, नहीं तो फिर कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर भी ऑटो लेवल्स है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है वो, जैसी चीज पहले वैसे। ठीक है, इमेजेस ऑप्शंस में यहाँ पर अपन जाना है, कर्व्स है इसमें सबसे मेन ऑप्शन है, कर्व्स। कर्व्स पे आप जाएंगे तो क्या होगा, पिक्चर में आपने जो भी कलर लिया होगा इस तरह से इसका आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी आ रहा था ना उसी टाइप का ऑप्शन है, तो इस तरह से आप कर्व्स से कर सकते हैं। मेन इसका क्या यूज किया जाता है, जैसे कि पूरी पिक्चर के लिए इसका यूज नहीं किया जाता, कर्व्स के लिए, जैसे कि आपको किसी मेन जगह का, पर्टिकुलर जगह का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए किया जाता है, जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें बालों का कलर चेंज करना है, या फिर कुछ एक जगह है उसका कलर चेंज करना है, उसको डार्क करना है, लाइट करना है, उसके लिए किया जाता है। तो कैसे, पहले अपन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से मैग्नेटिक लैसो टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अच्छे से कर लेना, हम नॉर्मली इसी तरह से ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप धीरे धीरे क्लिक करके करेंगे तो अच्छे से होगा, सिलेक्ट कर लिए इतनी जगह। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इमेजेस में, एडजस्टमेंट में, और यहाँ से हम कर्व्स पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आप इसको बढ़ाएंगे, देखो लाइट हो रहा है, नीचे की साइड करेंगे तो इस तरह से आप इसको डार्क कर सकते हैं, देख हो रहा है, अगर अपन इसको अच्छे से सिलेक्ट करते तो समझ में आता, और अपन इसको कुछ ज्यादा ही डार्क कर दिया जबकि पिक्चर का कलर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लाइट या डार्क करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से और ऑप्शन है, कलर्स पर जाएंगे, अभी यहाँ पर क्या सिलेक्ट है, ये दोनों कलर सिलेक्ट है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें रेड करना है इसका कलर, और यहाँ पर शेडो का कलर तो रेड ही, ब्लैक ही रहता है, तो रहने देते हैं, ओके करेंगे, तो ये देखें। ठीक है, यहाँ से आप इसको बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जैसा भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, आया सा इसमें, अब ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है,
नहीं करना तो कैंसिल कर देंगे, अगर स्लीप कर देंगे तो क्या होगा, वो चीज अप्लाई हो जाएगी। अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस जगह का कलर लाइट या डार्क करना चाहते हैं, हमने इसमें बता दिया। आप हो सकता है जहाँ जिस जो भी पिक्चर हो उसमें अलग जगह का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर लेंगे उसमें, ठीक है। और अगर जगह सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरे में होगी वो, यहाँ पर जा रहे हैं एडजस्टमेंट में, कर्व्स में, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एम। ऑटो कलर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कलर आ जाता है उसमें थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। इसमें अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट, इसमें और कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर हम करवाएंगे तो 1 महीने में कंप्लीट होगा सिर्फ मेन्यू मेन्यू, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है कलर ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या सिलेक्ट है, 0 है कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस 0 है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक ये कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन आप करके देखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से खिसकाइए, ब्राइटनेस कम हो रही है, इस साइड खिसकाएंगे तो ब्राइटनेस कम हो रही है, बढ़ानी है ब्राइटनेस तो आप इस साइड खिसकाएंगे, बढ़ रही है ब्राइटनेस, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कम करना है, मतलब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट से आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस साइड किया तो कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ी अजीब हो रही है पिक्चर तो पहले अपन इसको नॉर्मल करते हैं और यहाँ पर अपन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, फिर इसके बाद इसको साइड में रख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ओके कर देंगे तो ये चीज अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे तो हट जाएगी। और इसके अलावा सिर्फ अपन को एक ही एरिया का कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस बढ़ानी है तो उस एरिया को सिर्फ सिलेक्ट करें, ठीक है। अब आप यहाँ से इमेजेस ऑप्शन में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप सिर्फ उस एरिया की ब्राइटनेस, देखिए सिर्फ उसी एरिया की बढ़े जो एरिया अपन ने सेलेक्ट किया, और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ये तो हमने क्या है सर्कल में सिलेक्ट किया है इलिप्टिकल मार्क टूल द्वारा, आप यहाँ से मैग्नेटिक टूल लेजर टूल द्वारा या फिर जो भी जिस भी टूल से आपको लगे कि अच्छे से आसानी से सिलेक्ट हो रहा है, आप उससे सिलेक्ट करके सिर्फ मेन मेन वो ही एरिया सिलेक्ट करके उसका ब्राइटनेस लेवल और कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में इसमें अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करके आप ओके करते हैं तो क्या होता है, आपके सामने आपकी जो मेन इमेज है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है। इसका यूज क्या क्यों किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने एक ये कौन सी है ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग कर देते हैं और फाइल पर जाकर आप इसको सेव कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें जो भी हमने उस दिन बताया था ना, जो भी आपने इसमें एडिटिंग की होगी वो सेव हो जाएगी, तो इससे क्या होता है हमारी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो तो खराब हो गई। अब क्या रहता है अपने पास, जैसे कि अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा है, एमएस वर्ड पढ़ा है, अगर आप कोई टेक्स्ट है आपके पास या फिर कोई, जैसे कि हमारे पास एक फोल्डर है कहीं पर भी, हम ये फोल्डर ले लेते हैं, ये फोल्डर है, हम अगर इसमें ही कोई चीज मतलब इसका लोगो चेंज कर देंगे या कुछ कर देंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ये तो पूरी तरीके से। अगर हम इसको कॉपी कर लेंगे और हमें जो भी चेंजेस करना है उसमें करेंगे तो उसमें चेंजेस होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर बाई चांस वो हमारा खराब भी हो गया, मतलब कुछ हमने ज्यादा ही उसमें कुछ सेटिंग खराब कर ली तो क्या होगा, वो हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि जो मेन चीज है वो तो हमारे पास है। इसी तरह से यहाँ पर पिक्चर का होता है, यदि आप इसको जैसे कि इसी पिक्चर के अंदर कोई एडिटिंग कर रहे हो, अगर आप सेव एज करते हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने गलती से इसको कंट्रोल एस या फिर सेव कर दिया तो क्या होगा, इसमें आपने जो भी एडिटिंग करी है, मान लीजिए इस तरह से कोई आपने एडिटिंग कर ली, ठीक है, और आपने कंट्रोल एस कर दिया तो ये जहां से आपने ली है वहां पर ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने जब इसको कंट्रोल एस कर दिया तो आप इसको अल्टर कंट्रोल जेड से भी नहीं हटा सकते क्योंकि हम इसको सेव कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है डुप्लीकेट ऑफ का ऑप्शन कि आप इस पिक्चर को डुप्लीकेट कर लीजिए ताकि आपकी जो मेन पिक्चर है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। अब आप भले ही इसको क्लोज कर दीजिए, अब इस उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लिखा हुआ आ रहा है फ्लोवर कॉपी टू, दो करिए अपन इसलिए कॉपी टू आ रहा है, तो इस तरह से आप अब इसमें जो भी एडिटिंग करिए कंट्रोल एस भी करेंगे तो भी ये आपको सेव करने का ऑप्शन देगा, तब आप सेव कर पाओगे, ठीक है, आया समझ में। और ये वाला ऑप्शन राइट क्लिक करके यहाँ से भी आता है, सेम ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इमेजेस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अप्लाई इमेजेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड सिलेक्ट है